हरिद्वार गए थे तो हमने सांप खरीदे थे, इसमें है 3 सांप। अभी सिब्बू के साथ ऊपर प्रैंक करूंगा चल के कि सिब्बू मैं तेरे लिए हरिद्वार से गिफ्ट लेके आया था और ये सांप दूंगा, तो देखते हैं उसके क्या रिएक्शन होंगे। स्पीक 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 स्पीक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग और स्वागत आपका मेरे व्लॉग चैनल पे। कल के व्लॉग में आपने देखा कि हरिद्वार से हम बिल्कुल मॉर्निंग में घर पहुंचे थे। मैं तो गुड़गांव आया था, मम्मी घर गई थी इसके बाद और आगे, तो वो मेरे से 1 घंटा और लेट घर पहुंचे थे। तो भाई नींद वगैरह पूरी निकाल ली है, 5 घंटे या 6 घंटे में सो लिया हूं, हो गई है मेरी नींद पूरी। तो बाकी अभी का सबसे पहला मेरा जो काम है वो है इंस्टा को नहलाना, क्योंकि इंस्टा पे बहुत स्मेल हो रखी है, 3-4 दिन से नहाया नहीं है वो, और इतना लंबा ट्रेवल करके आया ना वो, हरिद्वार गया भाई इंस्टा फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में, तो बेचारे वैसे ही थकावट से परेशान है, तो उसको नहलाता हूँ, उसको भी रिलीफ मिलेगा। और सिब्बू क्या टाइम पास कर रही है तू सुबह सुबह? मैं रोस्टिंग वीडियोस देख रही हूँ। रोस्टिंग वीडियोस किसकी? अरे पता नहीं, कोई जो छोटे छोटे बच्चे नहीं वो ऐसे वीडियोस बनाते हस्बैंड वाइफ वाले, तो उनको किसी ने रोस्ट किया है तो वो देख रही हूँ। अच्छा, इंस्टा को नहलाना है आज, और क्या करना है? इंस्टा को नहलाना है और इंस्टा को क्लिनिक पे लेके जाना है, उसको इंजेक्शन लगवाना है, उसको इंजेक्शन टिक्स के इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, मैं ये कर दूंगा, इसको नहला दूंगा और उसको इंजेक्शन भी लगवा लाऊंगा। तू क्या करेगी? मैं अभी नहा के रेडी होके फिर एडिटिंग पे बैठूंगी। अच्छा, और रील्स बनाऊंगा। वाह भाई वाह, ये सही है, मतलब मैं खाऊं धक्के और तू यहाँ पे मारे मौज है, तू रील्स बनाए और मैं धक्के खाऊं। यार मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब तुम गाइस ये ना बस चुगली स्टार्ट लो भाई, आज के व्लॉग का सिब्बू का चुगली सेशन स्टार्ट। मैं बताऊंगी, तुम मैं चुपचाप बैठ के अपना फोन देख रहे थे, तुमने आके मेरी उंगली करी ना, तुमने आके नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत टाइम से मेरे व्लॉग में ना सिब्बू का चुगली सेशन आया नहीं है, तो आज के व्लॉग का चुगली सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हाँ, उंगली किसने करी आके मुझे? मैं चुपचाप बैठ के अपने वीडियोस देख रही हूँ। अच्छा, मैं बैठ के अपनी वीडियोस देख रही हूँ गाइस। इस आप पता ही ऐसे क्या कह रहा है, ऐसे क्यों कह रहा है कि मैं इंस्टा को नहलाने जाऊँ, मैं इंस्टा को नहलाऊं और ये मैं ये इंजेक्शन वगैरह लगा के आऊँ, ये बैठ के ये अपना रील्स बनाएगी ताकि आप लोग इसको सहानुभूति दो ना, तो आप इसको सहानुभूति देना ना भूति देना, सुनो मेरी बात। मैं बताऊँ, आप इससे पूछो, जब से इंस्टा आया है पिछले साल 13 सितंबर को, जब से आया है इसने इंस्टा को कितनी बार नहलाया है, पूछो जरा। ओ न्यूज जर्नलिस्ट, रुक जा, कितनी बार नहलाया? अच्छा मेरे को एक बात बता, एक बात बता, कुछ जिम्मेदारी तूने उठ रखी है कि भाई तू इंस्टा की साफ सफाई करेगी, नहलाए तो लगेगी, मगर ठीक है, वो तूने पहले ही बोला था कि इंस्टा की टेक केयर मैं करूंगी अच्छे से, मगर ठीक है, इसलिए मैं करते नहीं, इसलिए मैं करता नहीं हूँ ना, वो तूने पहले ही बोल रखी है कि तू उसकी टेक केयर करेगी, इसलिए मैं तेरे ऊपर ही छोड़ रखा है कि अपने आप कर लिया कर। मैं बीमार होती हूँ ना या घर चली जाती हूँ, ऐसी पड़ा रहता है इंस्टा पे, मैं आके नहलाती हूँ। अच्छा, कैसी बात कर रही है, जब तू होती है तो यहाँ नहला देती है तू, लेकिन जब मैं ये देखो भाई वो सो रहा है इंस्टा, जब मैं इंस्टा को अपने घर लेके जाता हूँ, क्या मैं इसको घर पे नहलवाता? नहीं, नहलवाता है, नहलाता नहीं है, कुछ भी करो, ऑर्डर देता है तू। एक बात बता, जो राजा होता है वो क्या सारे काम खुद करता है? लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो राजा होता है वो सारे काम करवाता है, लेकिन दाम राजा का होता है कि राजा ने ये किया वो किया, है ना, वो खुद थोड़ी ना करता है, उसने महल बनवाया या मंदिर बनवाया या कुछ भी बनवाया, स्कूल बनवाया, तो क्या ईट जाके खुद लिपाई चिनाई करता है क्या? बनवाता है ना किसी और से, लेकिन नाम क्या होता है, राजा ने ये बनवाया, समझी? तो मतलब तू राजा है, तू हमें ऑर्डर देता है, तू करवाता है? मैंने क्या बोला, मैं राजा नहीं हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नॉर्मल एग्जांपल तो यही जा रहा है ना भाई, तेरे से बहस नहीं कर सकता मैं अपने पूरे दिन की एनर्जी वेस्ट कर नहीं कर सकता, एक घंटा कोई सहानुभूति सिंपथी कुछ भी मत देना, ये सारा काम मैं करती हूँ, कुछ नहीं करता, एक घंटा तेरे से बहस कर लो, मतलब पूरे दिन की एनर्जी वेस्ट कर लो, अरे जा तू जा, चल अब तू फोन में देख, चल अपनी रील्स बना भाई, इससे थोड़ी सी बहस कर लो, मतलब अपने दिन की पूरी एनर्जी वेस्ट करना है और इससे बात करना मतलब दीवार में सर मारना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, पनीर सैंडविच। रचित क्या लेटे हो, क्या बोला था आज तुमने इंस्टा को नहलाओगे ना? रचित ये ड्रामे मत करो रचित, ये एक्टिंग करके मत दिखा मुझे रचित। हाँ देख कैसे एक्टिंग कर रहा है, देखो गाइस देखो उठ जा, ये रचित ये देखो इंस्टा उठ चुका है, देखो गेट पे बैठा हुआ है। मैं तो उठा हुआ हूँ, तेरा वेट कर रहा था, तू ही बिजी थी। मैं काम बिजी थी, मैं घर में ही हूँ ना, फोन पे बिजी थी, कोई बिजी नहीं थी मैं। उठो, उठ गया, हटा फोन को, हटा, उठ रहा हूँ। नहीं उठो तब हटाऊंगी मैं, उठ के बैठो रचित। ये मेरा बेटा उठ गया, प्याला सा बच्चा,
ओ बेटू घूमने जाने का वैसे इसका टाइम हो रहा है शायद, इसलिए देखना वॉकमैन का वेट कर रहा है ये, फिर चला जाएगा। फिर 5 बजे हैं, 6:30 बजे आएगा वो। क्या कर रहे हो तुम, क्यों नहीं नहला देते रचित? तो ये बाल्टी भर तो दी है, बोल तो रहा हूँ इसका को बुला नहलाता हूँ। बुलाओ, तुम सारे काम खुद करो। आज सिब्बू मेरे को गाइड करेगी कि इंस्टा को कैसे नहलाना है, क्योंकि रचित को नहलाना नहीं आता है, क्योंकि इसने कभी नहीं नहलाया। मुझे नहलाना आता है, पर फिर तू कह रही है ना तू अपने तरीके से बताएगी, तो मैं ठीक है तू अपना तरीका बता, मैं उस तरीके से नहला दूंगा। नहीं अपने तरीके से नहलाओ, चलो चलो। इंस्टा आ जा, इंस्टू अभी देखना भाग भाग के आएगा। इंस्टा इंस्टू कम आ जा, इंस्टू आ जा, नहीं नहीं करेंगे। इंस्टू कम 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 आ जा। ओ आ गया मेरा बच्चा, चलो नहालो नहालो। आ जा आ जा। चप्पल वैसे निकाल के नहलाना चाहिए था, पोर्ट ये बंद कर दो, इसी पे चढ़ के नहाता है। चलो भाई अब इंस्टा को नहलाते हैं। इंस्टा आ जा, कम कम। ओ अपनी मम्मी से ही ना आएगा वो। आ जा कम, जाओ इंस्टा पट्टा खोल दो। हाँ ऑफ कोर्स, पहले पट्टा खोलो अच्छे से, पैर से खोलना। कल ना इसका जब पापा से मिलने गए थे हम, हाँ, तो इसका पट्टा गले में से निकल गया था। फिर क्या पकड़ा इसको, भाग गया था। और भाग गया था, भगोड़ा तो है इधर को पता चला। यही है ना? हाँ यही वाला शैम्पू है। पानी क्यों मिला रखा इसमें? क्योंकि वो ज्यादा वो हार्ड होता है ना, तो निकलता नहीं है। इसका नहाने का मन नहीं है, खत्म हो रहा है। दिखाओ पानी इसमें मिला लो थोड़ा सा। और नहीं इसका है दूसरा, दे ला। पहले पानी मिलाओ उसमें। अरे खत्म है, रख दो साइड पर, रख दो मैं लेकर आती हूँ। ये भागेगा, मंगवा देना भाई। इंस्टा का शैम्पू थोड़ा खत्म हो गया है, मुंह पे ना सबसे लास्ट में लगाते हैं। दूसरा लिया शैम्पू, लेकर आ रही हूँ, इतना रगड़ो तो इसको, कैसे देख रहा है बच्चों की तरह। जल्दी आ दूसरा, या मंगवा ले फिर ये भागेगा बार बार ना। नहीं भागेगा, ये धो देना पहले। ये इंस्टा सेट सेट नहीं होता, सेट सेट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं गीले में नहीं होता ऐसे। ये सुकड़े, ये हड्डी। मैं जा रही हूँ लेकर आती हूँ। गाइस तो इंस्टा का शैम्पू उस वॉशरूम में खत्म हो गया है, तो मैं जा रही हूँ उसके लिए दूसरी नई बॉटल लेने। तो इस वॉशरूम में रखा हुआ है वो, उसको हम लगाएंगे इस वाले शैम्पू से नहलाएंगे। आ गई आ गई आ गई, मैं आ गई आ गई। ओ ओ यहीं बैठा है, नहीं बैठा है बच्चा। इसी में ऐड कर दो या इसको धो दो पहले? कर सकते हो वैसे तो, हाथ पैर भी अच्छे से धोना इसके, इतना ज्यादा शैम्पू निकल रहा है इसके। नल चला दो ना, बहुत पानी लगता है इसको नहलाने में। आ जा इधर, आ जा आ जा। नहीं जाएगा, एक बार पकड़ लोगे तुम बता दो तुम, ऐसे तो मुझे गीला कर दोगे। आ जा इसका। सच में यार सुनते नहीं हो तुम बिल्कुल भी। जब मैं नहला रहा हूँ ना सिब्बू, जरूरी है तुझे हर बात में। तो गाइस देखो ये कैसे पोर्ट पे चढ़ के नहाता है ऐसे खड़ा होके, ऐसे खड़ा रहेगा मतलब इतनी देर नहीं उतर जाएगा, दोबारा चढ़ा लेना थोड़ी देर में, अभी उतर जाएगा दोबारा चढ़ा लेना। चल चल आगे लगाओ। तो मतलब यूट्यूब के अलावा मैं डॉगी नहलाने का काम भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने उसको ट्रेंड कर रखा है ऐसे, वरना तो तुम मुँह लास्ट में धो देना, हाथ दर्द करने लगते हैं इसके, हाथ पैर भी अच्छे से साफ करना। गाइस हमारा प्यारा सा क्यूट सा इंस्टा देखो नहा रहा है, कान मान भी ऊपर तो हो गया, नीचे और हाथ पैर और मुंह, ये मेरा प्यूरे चुपीटा। उसका हाथ दर्द हो गया, थोड़ी देर बाद फिर चढ़ा देना। लेटता नहीं है, लेट के नहीं आएगा। नहीं गंदा हो जाता है फिर ना नीचे, इसलिए लेटता ही नहीं है। जा 2 मिनट। उस मुंह पे पानी नहीं गिरवाता है, सर नीचे कर लेता है। पूछ पूछ दो दी इसकी, नहीं पूछ और पैर बचे अभी। सर इंस्टा इधर आ, सेट 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 नहीं होगा, सेट सेट बस, हाथ दिखा हाथ, यहाँ आ जाते देख रहा है ये, पहले तो मैं नहलाती हूँ आज, ये कैसे ना इतना शैम्पू ले रहे हो तुम। पानी मुंह भी इसका अच्छे से धो देना, ऐसे लगेगा नहीं पानी ज्यादा था शायद। मुंह मुंह धो दो, मुंह धो दो तुम ना, सिर्फ पेट पेट धो रहे हो रचित, आंखें बचा के आंखें बंद कर रखी है।
जितना शैम्पू लिया है ना तुमने उसमें से इसमें से इतने में दो बार नहला देती है और पूरी बॉडी क्लीन हो जाती है इसकी। बस तुझे तो अपने आप को ग्रेट दिखाना है। यार ग्रेट की बात नहीं है रचित, बेगी बिल्ली इंस्टो बेगी बिल्ली। हाय इंस्टा इधर आ जा, पूछ रहेगी पीछे वाले पैरों पे लगा दिया शैम्पू। आ जा इधर, इस वाले शैम्पू में ना जागता मैं, इसमें अच्छे जागते, इसमें जागता मैं। वरना ये शैम्पू ही है ना, कभी कंडीशनर हो बॉडी वॉश। हाँ तो बॉडी वॉश है ना वो, शैम्पू है। इंस्टा आ जा राजा बेटा, नाक वाक अच्छे से क्लीन कर देना इसको। ले आजा, जा ले चल चल ले इधर, ठीक है यार। क्या क्या आजा आजा में बारिश कर दी इसने। मैं तो नहीं अलावा कुछ रहा हूँ। कॉफी में बारिश कर दी झड़का के इसने ऐसे ऐसे। दूसरी कॉफी बना दो सोनी। ला टॉवल तो दे दे इसका, पूछ दे। येरा गेट के पीछे लो और साफ करो ना। क्या है बस, अब सबको परेशान करेगा ये। ये किसका है ये? अब्बास मिल गया इसको। सिट इंस्टा। शैम्पू की स्मेल आ गई पूरे पूरे घर में। अरे बहुत भर भर के आज रचित ने शैम्पू लगाया है। कीचड़ में भी बहुत हो रहा था ना। देखो भाई कैसे साफ करवा रहा है ये। करवा रहा है पर पता पूरे रूम और हॉल में वो शैम्पू हो गई ना, शैम्पू की स्मेल आ गई पूरी, जैसे परफ्यूम रूम फ्रेशनर लगाया। अरे बहुत रगड़े इसने आज शैम्पू रचित ने। जाते नहीं है होटल वगैरह में फ्री का मिल जाता है। देख कैसे साफ करवा रहे भाई। मैं नहीं छोड़ूंगा ये ऐसे ही रहेगा। ओए पूरा पानी पानी पूरा हॉल। किडनैप कर लो इंस्टा को, किडनैप कर लो। चलो भाई इसकी किडनैप कर लिया मैं, इसकी फिरौती निकाल सकूं। फिरौती निकाल इसकी, एक इंस्टा का शैम्पू। शैम्पू क्या करोगे तुम, ना होगे उससे क्या मिलता तेरे को चबा के ये बता। हैं मजा आते हैं उसको। ए घूंघट हटा ले बहू, ए ए बहू ए घूंघट मुंह दिखा दे। बैठ जाएगा वो अब, ठीक है पीछे साफ कर दो खड़ा करके। बाहर मत भेजो इसको घूमने। हाँ गया नहीं है दो तीन दिन से। मत भेज, इसकी तबीयत वैसे खराब है, फिर कीचड़ में होके आएगा। मत भेज आज, दो तीन दिन से कल घुमा ये पूरा दिन, एक दिन रेस्ट भी कर ले दिया। अगर आज मत भेजियो बाहर, पॉटी करने का घर में करेगा। ऊपर ले जाऊंगा थोड़ी देर, ऊपर भी कीचड़ कीचड़ है, बारिश बारिश। ऊपर नहीं है कीचड़, बाहर कीचड़ है। तो चिल्ला क्यों रहा है? तेरे से चिल्ला के बात करनी पड़ती है, तेरे से आराम से बात करो तो सर पे चढ़ जाती है। बाथरूम की बाल्टी भर के बंद करके आ जा। कर दे यार मैं साफ कर रहा हूं उसको। मैं ब्लॉग बना रही हूं। कंघी भी कर दूंगा इसकी मैं, अब लगे हाथ। अब कंघी भी नहीं पता होगी कहां रखी है। यही होगी कहीं, यही होगी कहीं। तो बता दे तू, मैं कर तो रहा हूं। बाल्टी चला रखे थे तूने। हां बंद करके आ जा। इंस्टा कंघी बता दे, कंघी कर दूंगा। ढूंढ लो यार, बता दे ना, अब टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर इसको डॉक्टर के भी ले जाता, बता देगी तो अभी। वाह मजे आ रहे हैं, मजे से कंघी करवा रहा है बेटा। कंघी कराने मजा आते है। मजे तो क्या ही आते हैं इसे। मैं कह रही थी रचित, क्या इसको ना अभी बॉडी स्प्रे भी लगा देना। मेरा बीता प्याला प्याला बच्चा, रिबॉन्डिंग करवा दो इसकी। अभी बड़े बाल हो ना, कर्ली हेयर करवाऊंगी इसके मैं। नहीं गंदा लगेगा कर्ली में, बल्कि सिल्की और जो स्ट्रेट होते हैं उसमें अच्छा लगता है। प्यार से करो प्यार से भाई। ये कंघे करने का स्टाइल देखो रचित रोजा का। ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये मेरे को अपना स्टाइल बनाना पड़ रहा है इंस्टा की वजह से। स्विमिंग करेगा स्विमिंग पूल में डाल। अरे यार तुम पोछा क्यों लगा रहे हो उसके बालों से? बस अकाजी गोल्ड मेडल लाएगा स्विमिंग का है भाई। दो क्यों पोछा लगवा रहे हो? खाने का है, खाने की ट्रेनिंग। सिट स्पीक 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 स्पीक
स्पीक। अबे ठस्सी आवाज निकाल। स्पीक 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 स्पीक। बाउ 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 बाउ। तुम पे गया बिल्कुल रचित भौंकने में तो। हाँ तभी कभी कभार बोलता है वरना चुप बैठ रहता बेचारा। तेरे पे गया तो सारा दिन भाव 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 करता। देख भाग गया, सोच रहा है और देगा। तो नहला दिया था मैंने और फिर उसके बाद नहा के खुद भी मैं रेडी हूँ। रेडी किस लिए हूँ? तो इंस्टा को भी ले जाऊंगा इंजेक्शन लगवा के लाने उसको। कहाँ है सिब्बू? कहाँ गए सिब्बू? इंस्टा कहाँ है? इंस्टा ये देखो, ये सिब्बू एक कपड़े पहन पहन के रेडी हो के देख रही है। क्या करेगी? देख थुकगी। इंस्टा कहाँ है? बालकनी में। मैं उसको ले जा रहा हूँ फिर इंजेक्शन लगवाने। ठीक है, बता दो कैसा लग रहा है। सही लग रहा है। थोड़ा फिटिंग करवाना है यहाँ से बस। मैं कह रहा हूँ कपड़े फिट करवाने के बजाय खुद को फिट कर ले। ओ ढीले हैं कपड़े। भाई मैं इसको इतना बोलता रहता हूँ थोड़ी फिट हो जा फिट हो जा। मोटी होती जा रही है और एक्सेप्ट नहीं करती कि हाँ मैं मोटी हो चुकी हूँ। कपड़ों के टाके लगवाती रहेगी ताकि इसके फिट आ जाए। कहीं से ढीला करवाएगी कहीं से टाइट करवाएगी। यार हल्का फुल्का तो चलता है। नहीं चलता, जल्दी अपने आप को पतला कर। इंस्टा आ जा, चल तेरे इंजेक्शन लगवा। अरे यार ले तू ले ले, तेरे इंजेक्शन लगवा के लाऊंगा आजा। तो भाई अभी हम इंस्टा को ले जा रहे हैं पेट क्लिनिक पे और इसको इंजेक्शन लगवाना है। तो चलो आ जाओ, देखते हैं इंस्टा रोएगा तो नहीं इंजेक्शन लगवाते टाइम। आ जा इंस्टा, देख डॉगी। नो नो, अबे क्या घिसड़ क्यों रहा है? इसकी पूछ कैसी है? बांडी पूछ है इसकी, कटी हुई। इंस्टा को यहाँ अपना नया फ्रेंड मिल गया, इसको टिक्स का इंजेक्शन लगवाना है। चलो चलो इंस्टा इधर इधर। मैं कहता हूँ एक इंजेक्शन होता है कुछ इसका होता है। सिट सिट, बैठ बैठ जा प्लीज। 34 34 किलो 600 ग्राम का इंस्टा। अभी इंस्टा का इंजेक्शन लग रहा है। ये बस रोइयो मत इसका। बस 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 बस, पता भी नहीं लगा इसे तो। खुजली हो रही होगी थोड़ी सी बस। अब इससे क्या होता है इंजेक्शन लगवाने से? टिक्स गिर जाएंगे इससे बॉडी पे। इससे क्या नहीं होता? खून नहीं घुसेंगे जैसे ब्लड सब जाएंगे। तो भाई इंस्टा को इंजेक्शन लगवा लिया और इसको टिक्स का इंजेक्शन लगवाया था क्योंकि ये जो मौसम है ये बरसात का मौसम है ना, तो इसमें टिक्स मतलब कि वो जो चीचड़ वगैरह होते हैं ना वो ज्यादा लग जाते हैं। तो अभी इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, चीचड़ लगे तो गए पर वो इसके खून नहीं चूसेंगे। जैसे इसको काटेंगे वो इंजेक्शन का असर होगा और नीचे गिर जाएगा टिक्स। मैंने सोचा था कि रोएगा इंजेक्शन लगेगा तो, पर इसे तो ऐसे ही लगवा लिया मस्ती में, कुछ भी नहीं बोला, पता भी नहीं लगा इसे तो। बस एक बार देखा इसने मेरे को चुभाया। बाकी हाँ मेरे को याद आया, हरिद्वार गए थे तो हमने सांप खरीदे थे, इसमें है 3 सांप। अभी सिब्बू के साथ ऊपर प्रैंक करूंगा चल के कि सिब्बू मैं तेरे लिए हरिद्वार से गिफ्ट लेके आया था और ये सांप दूंगा, तो देखते हैं उसके क्या रिएक्शन होंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कर दियो तू, है ना। मैं ऐसे करूंगा, सिब्बू देख तेरे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ हरिद्वार गया था मैं, तो रिकॉर्ड कर लियो तो पूरा व्लॉग। ठीक है, अभी ऊपर ले जाके इंस्टा को छोड़ दियो, ये अपना खाना पानी कर लेगा, फिर तू फिर बनाएंगे व्लॉग, बनाएंगे प्रैंक ऑन सिब्बू, स्नेक प्रैंक। ठीक है, तो भाई मैंने सिब्बू को बुला लिया है। मैं हरिद्वार गया था ना, दिल्ली गिफ्ट लाया था। क्या? पहले गैस नहीं नहीं गैस कर क्या है? ऐसे नहीं, ऐसे ही गैस कर क्या है? मैं क्या लाता हूँ वैसे? इयररिंग्स लाया होगा या गले का नेकलेस लाया होगा? हाँ गले का नेकलेस है। देख अभी दिखाता हूँ। कैसे कैसे गैस कर लिया ना मैंने, ये लाता है बस और कुछ नहीं ला सकता। ले गले का नेकलेस बस, मैं डर गई। वाओ यार ये क्या, डरी नहीं? ले नहीं डर, ये ऐसे दिख रहा था मुझे, लग रहा था। शिट यार, ये तो प्रैंक गोज रॉन्ग, फेल हो गया हमारा स्नेक प्रैंक सिब्बू के ऊपर। डरावने भी नहीं है, हट। हाँ पता है ये जो असली वाला सांप होता है ना, मैं पता है मैं इनसे डर सकती थी। कैसे कैसे? अगर मैं नॉर्मल बैठी होती कहीं तो ले आता। अब इसने ब्लॉग स्टार्ट करवाया मिक्की, मैं ना ब्लॉग स्टार्ट करना, मैं इसके लिए गिफ्ट लाया हूँ तो मैं समझ गई कुछ होगा, तो इसलिए मैं डरी नहीं। ले तू ला नहीं सकता था नेकलेस? ले 3 सांप लाया और क्या चाहिए? तू था तो मेरी जिंदगी में सांप। अच्छा मैं सांप? तू मेरी जिंदगी में है तो सांप बन के कुंडली मार के बैठा। अरे तू नागिन जहरीली मत कर, मैं नागे आया हूँ। पानी तो है, लग जाएगी, टूट जाएगा। तो क्यों तमाशे कर रहा है? ए यार मेरे को लगा था डर जाएगी पर डरी नहीं। चलो छोड़ो भाई, ये अपना स्नेक प्रैंक तो फेल हो गया। फेल हो गया।
हरिद्वार से सांप लेके आया था और सिप्पू पे प्रैंक किया, प्रैंक काम नहीं करा, स्नेक का प्रैंक गोज रॉन्ग हो गया, पोपट कट गया मेरा। देखो रचित आज खीर बनाई है। और ये देखो सांप से तो डरी नहीं, तुम्हारे लिए झूठ मत बोल, ये सोनी ने बनाई है, सुबह बनाई है तुम्हारे लिए, माँ कसम खा जा चल। क्यों खाऊं, माँ कसम का वो नहीं होता। तो ये माँ कसम मत खा, तू खीर खा, सांप से तो डरी नहीं, यहाँ बैठ के खीर खा रही है आराम से, खीरो कहीं की। तुम मैं खा रहा हूं। मैं खाता हूँ, मैं हूँ हीरा और तू है खीरा। लो लो। नहीं मैं नहीं खा रहा, खा लो तुम माँ कसम, खा लिया ना। ठीक है टेस्ट, एक बार तूने बनाई थी, इतनी भुंडी थी, इतनी बेकार बनाई थी तूने। हाँ माँ कसम मैंने खीर बनाई और बेकार थी, शायद सपना देखा होगा फिर मैंने। बाय, टेक केयर। आज के व्लॉग में आपने देखा कि मैंने इंस्टा को नहलाया, हरिद्वार से आया था तो बहुत कीचड़ और मिट्टी में हो रखा था, उसके बाद उसे इंजेक्शन लगा के लाया और भाई सिब्बू पे प्रैंक किया सांप वाला, जो कि काम नहीं किया, बिल्कुल फेल हो गया मेरा प्रैंक, शिट। बाकी अभी का ये सीन है कि बेस्ट फ्रेंड का एपिसोड नंबर 3 जो है ना, उसकी तैयारी हो रही है, जल्दी उसका शूट होएगा, आजकल मैं उसका शूट मार दूंगा और फटाफट से आपको फिर वीडियो देखने को मिलेगी बेस्ट फ्रेंड का एपिसोड नंबर 3। जब तक के लिए अगर अभी तक आपने बेस्ट फ्रेंड का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो देख लो, और जिसने देख लिया वो एक बार दोबारा देख लो, है ना। तो जल्दी आपको एपिसोड 3 भी देखने को मिलेगा, उसकी भी बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट बनाई है, बस तैयारियां कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, अरेंजमेंट कर रहा हूं, जल्दी से शूट करूंगा और वीडियो आपके सामने आ जाएगी मेन चैनल के ऊपर। तो चलो गाइज, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, बाकी कल 2:30 बजे मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्यार बनाए रखो, कीप सपोर्टिंग, लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करके जाना जरूर, बाय।